राइट बच्चों, एक बात तो अच्छी तरह डिस्कस कर ली, अब लास्ट में करेंगे जब एक बार रिमेनिंग थ्योरी भी पढ़े ना। कौन सी एक्सरसाइज? चलो फिर एक्सरसाइज 1 के डाउट बताओ। एक्सरसाइज 1 में कोई डाउट तो लिखो जल्दी से। यस एनीथिंग? लास्ट टाइम एक्सरसाइज 1। ओके, ओके, थर्ड कुछ देख रहे हैं? ओके, माइक ऑन है ये ओके, भावे। देखो इस क्वेश्चन को, एफ ऑफ एक्स इज दिस भावे एक, लास्ट टाइम नहीं तो बार बढ़ूंगा मैं। ये 1-1 है, ऑन 2 है, सब देखना है। रैशनल फंक्शन है पहली बात को, एफ ऑफ एक्स इज एक्स माइनस एम अपॉन एक्स माइनस एन। 1-1 ऑन 2, 1-1 तो हम बेसिकली इसकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर निकाल के लगा सकते हैं। x माइनस एन प्लस एन कर दिया, स्प्लिट कर दिया ताकि 1 + n - m अपॉन x माइनस एन हो गया। और इसके लिए तो एल्जेब्रिक टेस्ट भी कर सकते हैं बच्चों, याद है एल्जेब्रिक टेस्ट 1-1 के लिए सबसे इजी वो लग रहा है मेरे को। एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, एक्स वन माइनस एम अपॉन एक्स वन माइनस एन इज एक्स टू माइनस एम अपॉन एक्स टू माइनस एन क्रॉस मल्टीप्लाइड। x1 x2 माइनस एम एक्स वन माइनस एन एक्स टू प्लस एम एन, एम एन से एम एन चला गया, x1 से x1 x2 चला गया, एम एक्स टू वन एक्स वन एम माइनस एन माइनस एक्स टू एम माइनस एन इज इक्वल टू जीरो। सो एम इज नॉट इक्वल टू एन, तो x1 इक्वल टू x2 इज द ओनली सॉल्यूशन। देयरफॉर क्या होगा, 1-1 या मेनी 1? 1-1। अब रेंज निकालनी है तो रेंज के लिए मैं कर रहा था, इफ यू रिमेम्बर, याद है माइनस एन प्लस एन, 1 + n - m डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एन। तो रेंज में वाई इक्वल टू 1 कभी आ नहीं सकता, मैं तो हिट एंड ट्रायल से दिख गया कि वाई कैन नॉट बी 1, क्योंकि वाई 1 हो गया तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 1, एक्स माइनस एन इज इक्वल टू एक्स माइनस एम, एम इक्वल टू एन हो जाएगा। बट इट इज गिवन इट इज नॉट, मतलब y 1 नहीं हो सकता, मतलब रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं हो सकती, देयरफॉर ऑन नॉट ऑन टू इन टू। करेक्ट बच्चों? यस सर, यस सर। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 में कोई डाउट? ओके सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, कौन नालायक है वैसे, वरुण और गौतम ना? यस नहीं, गौतम नहीं, कौन है, वरुण नहीं। सिक्स क्वेश्चन क्यों नहीं देख रहे बच्चों, देखना आप बताओ क्यों नहीं? एनीबॉडी? सर क्लास में किया। गुड, नाइन्थ सेम क्वेश्चन है सिक्स के जैसा, पढ़ना ही नहीं वरुण को ढंग से है आजकल। सिक्स भी डाउट, नाइन्थ भी डाउट, क्योंकि दोनों ही क्लास नोट्स को रिवाइज करना है, नहीं रिवाइज तो मम्मी पापा के लिए छोड़ा हुआ है। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल ग्राफिकली करना है, जैसे ये क्वेश्चन ग्राफिकली वैसे ये क्वेश्चन को है ग्राफिकली। बॉक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज लेस देन टू, एक इसको सॉल्व करेंगे और एक ग्रेटर देन माइनस वन को।
सुन लिया नाइन्थ, और जिसको भी डाउट था सर जैसे इसको करोगे वैसे यहाँ पर दो बार करना है, एक इसको और एक इसको। इसको कैसे करोगे, बॉक्स एक्स इज लेस देन ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर माइनस टू, एक इसको सॉल्व करोगे, और इसके लिए सॉल्व करोगे बॉक्स एक्स इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, दोनों का फिर इंटरसेक्शन लोगे। आई होप आई एम क्लियर। हाँ सर। वेल्थ इज अ गुड क्वेश्चन। देखो बोर्ड पे स्क्रीन पे, सॉरी, सबसे पहले रेंज निकालने से पहले मेरे को हिट हो गया कि तो लक्की डोमेन की तरह करना चाहिए, मुझे डोमेन निकालना चाहिए। तो बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस हाफ साइन इनवर्स बोल रहा है शुड बी बिटवीन माइनस वन टू वन, ना? और बॉक्स हमेशा इंटीजर होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस हाफ शुड बिलोंग्स टू ग्रेटर देन माइनस वन का ग्रेटर देन ही होता है, लेस देन इक्वल टू वन का लेस देन टू होता है, फिर रिमेंबर याद आया ना लगे को। एट द सेम टाइम इसके लिए माइनस हाफ के लिए मैं क्या कर दूंगा, पूरी इक्वेशन में माइनस वन कर दूंगा, सो एज टू कन्वर्ट दिस इनटू दिस। एवरीवन विद मी, ये क्यों कर रहा हूँ, ताकि दूसरे का भी डोमेन चेक कर रहा हूँ मैं, ओके? उसके लिए माइनस वन कर दिया तो कितना हो गया माइनस टू से वन, उसका बॉक्स लूंगा तो माइनस टू आएगा माइनस वन आएगा जीरो आएगा, बट मुझे तो वन भी चाहिए तो अलग से ही देखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस हाफ बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस हाफ बिलोंग्स टू माइनस वन से टू, इसके लिए प्लस हाफ करते हैं, सो एक्स स्क्वायर प्लस हाफ सॉरी प्लस वन कर देते हैं, बिलोंग्स टू जीरो से थ्री हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। आई होप डोमेन के लिए इतना तो पता ही है तुम्हें, एक्स स्क्वायर प्लस हाफ बिलोंग्स टू जीरो से टू, ओके करो। सो बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस हाफ क्या ऐसा बोला, ऐसा बोलते हैं अपन, तो एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू माइनस हाफ से थ्री बाय टू है, ठीक है? तो जब एक्स स्क्वायर प्लस हाफ की रेंज हो जाती है क्योंकि जीरो से टू, तो बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस हाफ क्या क्या हो सकता है, जीरो या वन। तो बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस हाफ जब जीरो हो जाएगा, एट द सेम टाइम एक्स स्क्वायर माइनस हाफ की क्या रेंज है वो देखना है मुझे। इसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस हाफ बिलोंग्स टू जीरो टू वन, माइनस वन कर दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन बिलोंग्स टू माइनस वन टू जीरो, दैट मीन्स बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन होगा। क्या ये सबको समझ में आया मेरे साथ, मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों की साइमल्टेनियसली वैल्यूज देख रहा हूँ। आई होप इतने तो इंटेलेक्चुअल हो, समझ सकते हो बच्चों। एक केस ये हो गया, दूसरा केस क्या हो जाएगा, जब एक्स स्क्वायर प्लस हाफ का बॉक्स वन है तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर प्लस हाफ वन से टू होगा, अब मैं माइनस वन कर दूंगा क्योंकि मुझे दूसरे के बारे में पता करना है, वो क्या हो जाएगा जीरो से वन, दैट इज उसका बॉक्स हो जाएगा जीरो कमॉन। तो अब मैं डायरेक्टली आंसर निकाल सकता हूँ, केस वन में एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, साइन इनवर्स इसका बॉक्स दैट इज जीरो प्लस कॉस इनवर्स इसका बॉक्स दैट इज माइनस वन, जीरो प्लस पाई दैट इज पाई, एक आंसर इसका। और इस केस में एफ ऑफ एक्स इज साइन इनवर्स बॉक्स इसका कितना वन प्लस कॉस इनवर्स इसका दैट इज जीरो, पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू दैट इज पाई। तो रेंज में लकी डोमेन है एक तरीके से, रेंज में एक ही आंसर है क्या, क्लियर नादानो? अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क करना बाद में वापस करना रिवीजन के वक्त। ट्वेंटीथ क्या है, फालतू क्वेश्चन कराते हो। एफ ऑफ एक्स इज दिस, ये सब तो निकाल लोगे, बस क्या एक्स नॉट इक्वल टू वन, डिनोमिनेटर नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। अब जब एफ ऑफ एक्स निकाल रहे हो तब भी क्या नहीं होना चाहिए वो देख लेना, वन अपॉन वन माइनस एफ ऑफ एक्स दैट इज वन अपॉन वन माइनस एफ ऑफ एक्स, कौन है दिस,
एलसीएम लूंगा, वन माइनस एक्स ऊपर चले जाएगा, तो वन माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स दैट इज एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो एक्स जीरो भी नहीं हो सकता, एक्स वन नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। अब ट्रिपल एफ ऑफ एक्स निकाल लूंगा, तो इसी की डेफिनेशन में एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स रखना है बच्चों, एलसीएम लेके कैंसिल हो जाएगा, वन माइनस एक्स अपॉन वन है यहाँ तो एक्स हो गया, बस एक्स कैन नॉट बी जीरो एंड वन एंड एफ ऑफ एक्स। और ये आंसर गलत है ना, ये सारे ऑप्शंस में एक्स कर देना, ये तो पहली बात तो क्या बोलते हैं मिस्टेक इन द क्वेश्चन। इज एवरीवन सुन लेंगे? हाँ सर। और फिर आंसर सी है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? I into F is equals to 1। हमने ऐसे क्वेश्चन किए हुए, आई कितना हो गया 1 बाय एफ की रेंज होती है 0 से 1, तो 1 बाय एफ की रेंज रेसिप्रोकल, मतलब एफ 0 तो हो ही नहीं सकता, एफ 0 नहीं हो सकता मतलब x कभी भी इंटीजर नहीं होगा। एवरीवन एग्री? तो ये 0 टू 1 कर दिया, तो 1 बाय एफ बिलोंग्स टू व्हाट? 1 का रेसिप्रोकल 1 से इंफिनिटी। So I कोई भी नंबर है, I is one by f ना, so I 2, 3, 4 सब कुछ हो सकता है। तो if I is 2, let's say I is m, where m belongs to natural number except 1, चलेगा बच्चों? तो f क्या हो जाएगा 1 by I, मतलब 1 by m, और x क्या होता है I plus f, तो x का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों m plus 1 by m, where m belongs to natural number except easy था। having the same fundamental which one of the following, so f का पहले तो period निकालो, 2 tan 3x पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 into 2i sin² 3x, तो 2 tan 3x प्लस 5√2 mod sin 3x, करेक्ट बच्चों? इसका पीरियड पाई बाय 3, इसका भी पीरियड पाई बाय 3, तो f का पीरियड पाई बाय 3 है। कोई डाउट यहाँ था? नहीं सर। नो सर। इन में से किस ऑप्शंस का पीरियड पाई बाय 3 है वो चेक करना है, ये पीरियड क्या है 2π/3 और ये क्या है पाई बाय 3, एलसीएम ऑफ दिस टू इज व्हाट 2π/3, ऑप्शन डी गलत, करेक्ट? यस सर। इसके फैक्टर के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो कॉस है और टेन है, आपस में कुछ कन्वर्ट नहीं होने वाले, समझ में आता है ना? यहाँ पे 2π/3, इसका भी 2π/3, एलसीएम इज 2π/3, डोंट थिंक इट इज गोइंग टू कन्वर्ट, एग्रीड? हां सर। क्योंकि 2 और 3 है तो वापस में नहीं एडजस्ट नहीं हो सकते पाई बाय 3 को। ये क्या है ट्वाइस मॉड साइन 3x प्लस कोसेक 3x, इसका पीरियड है पाई बाय 3, इसका है 2π/3, एलसीएम हो गया 2π/3, पाई बाय 3 के लिए चेक करोगे नहीं होगा, पाई प्लस नहीं होगा, माइनस में आ जाएगा, ऑप्शन ए sec स्क्वायर मतलब 1 अपॉन cos स्क्वायर प्लस 1 अपॉन sin स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, एलसीएम लिया कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ऊपर 1 आ गया इंटू साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, sec रेज टू पावर 4 3x, सही लिखा है, जिसका पीरियड पाई बाय 3 होता है, तुम्हें बताया था मैंने इवन पावर के लिए, क्लियर? हाँ सर। कोई डाउट? एक्सरसाइज 3 के डाउट्स देखो।
सर आप म्यूट पे हो शायद। ओके ओके आई वाज ऑन म्यूट। बट सिक्स क्वेश्चन क्लास में किया हुआ। ओके कोई भी बॉक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। आई होप यू रिमेम्बर व्हेन बेस इज ग्रेटर देन वन इनइक्वालिटी इज साइन। बोलो चेंजेस डजंट चेंज ग्रेटर देन इक्वल डजंट चेंज। तो ये आ गया ना सर वन आंसर वन। हाँ सॉरी माय मिस्टेक ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अब केस वन एक्स इज पॉजिटिव तो ऑब्वियसली मतलब बॉक्स एक्स जीरो नहीं हो सकता तो ऑब्वियसली एक्स पॉजिटिव नहीं ये लेना चाहिए हमें एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। और केस टू एक्स इज नेगेटिव वो वाला केस अलग से ले रहा हूँ गॉट इट ना। तो अगर एक्स एक्स क्यों जीरो से वन के बीच में नहीं हो सकता वो तो आई होप सबको पता है। Yes, sir. अगर x greater than 1 है ये positive है मैं इसको cross multiply कर दूंगा x greater than box x x minus box x is greater than equal to 0 मतलब fractional x greater than equal to 0 होना चाहिए वो तो come on all is well हो गया always true fractional yes, sir. x positive होता है तो मतलब ये पूरा case ही हमारा answer है got it yeah, got it एस टू एक्स लेस देन जीरो के लिए ये बॉक्स एक्स भी नेगेटिव होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन चेंज होगा एक्स माइनस बॉक्स एक्स क्या भाई तन्मय इज लेस देन जीरो। फ्रैक्शनल एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो फ्रैक्शनल एक्स लेस देन तो नहीं होता है इक्वल टू हो सकता है कब इंटीजर्स पे। हाँ बच्चों तो फाइनल आंसर इज एक्स बिलोंग्स टू वन से इंफिनिटी यूनियन नेगेटिव इंटीजर्स। Come on, agree करो। Yes, sir. समझ आ रहा है बच्चों इसलिए ऑप्शन डी है नॉट ऑप्शन सी। 11th question C. A is a natural number, okay? Our box is an integer, so therefore x has to be integer. ये तो सबको समझ में आ गया होगा। मतलब x को i लिख सकता हूँ। तो x square i square होगा। उसका box क्या हो जाएगा? I square का box integer ही होगा i square। तो ये equation होगा एक तरीके से i square plus i equal to a. Correct everyone? Yes sir. A को less than 20 होना है। ओके लेस देन इक्वल टू 20 होना ये नेचुरल नंबर है टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए आई के हिसाब से सोचे या ए के हिसाब से दैट्स व्हाट आई थिंक इट integer into integer plus 1 is here so no so 1 into 2 correct everyone hai na yes sir ye 2 le liya to ye 3 6 ye 3 le liya to ye 4 12 ye 4 le liya to ye 5 20 uske baad le nahi sakte to 4 values hai so sure क्लास होमवर्क
ये सुनो, क्लास होमवर्क में दिया था ये, मेरे को याद है ग्राफ के बाद ही। कोई भी बॉक्स लेस देन थ्री, मैंने बताया है तुम्हें कैसे एंटर करना होता है, उसको लेस देन इक्वल टू टू करो, फिर उसका आंसर x प्लस बॉक्स टू एक्स लेस देन थ्री होता है। बॉक्स टू एक्स इज लेस देन थ्री माइनस एक्स, याद करो, ये क्वेश्चन दिया है मैंने क्लास होमवर्क में, इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ, फिर सीधा आंसर। याद आया किसी को? यस सर। थोड़ा लैग हटाने के लिए कर रहा था। 14th क्वेश्चन, मैं बाद में करूंगा। 14th क्वेश्चन थोड़ा सा एक चीज मैं पढ़ाऊंगा वहां पे कंपोजिट फंक्शन, उसके बाद और एग्जाम हो जाएगा तब करूंगा, ठीक है? ओके सर। और क्या है? 15th 42 बहुत इजी है। रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, अगर मैं मॉड साइन प्लस मॉड कॉस की बात करूं, सिर्फ अंदर वाला पार्ट देखना, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस टू मॉड साइन मॉड कॉस, दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस मॉड साइन टू एक्स। तो साइन टू एक्स की रेंज होती है 0 to 1, तो वाई स्क्वायर की रेंज हो गई 0 से 2, मतलब वाई स्क्वायर इज लेस देन 2। और y हमेशा पॉजिटिव, एग्री करो बच्चों, मॉड प्लस मॉड तो पॉजिटिव ही है ना, इसका आंसर यूजुअली होता है माइनस रूट टू से रूट टू, बट सिंस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो y बिलोंग्स टू 0 से रूट 2 होगा। साउंड्स गुड? यस सर। बॉक्स क्या क्या हो जाएगा, अब उसका बॉक्स पूछा है, क्या क्या आंसर हो जाएगा, 0 एंड 1। ओके, थोड़ा सा अलग है, एक बार के लिए ट्रिकी ना ऐसे, मतलब एक बार देख लोगे तो अब नेक्स्ट टाइम इस टाइप का कुछ आएगा तो कर लो, वैसा है। 42 डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एक्सपोनेंशियल की डोमेन, तो कुछ हाँ बोल जल्दी सर। जो लास्ट क्वेश्चन पीछे आंसर 1 दिया है सिर्फ, मतलब ऑप्शन सी 1 सिर्फ 1 दिया है, 0 नहीं है। मिस्टेक बतानी चाहिए एज कम्पेयर टू आंसर देख के बता। ओके, ये कॉस इनवर्स को देख लेते हैं पहले, तो 1 माइनस एक्स बिलोंग्स टू माइनस 1 टू 1, माइनस एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन करना है, जीरो माइनस टू से जीरो, एक्स बिलोंग्स टू 0 से 2, जब कॉस इनवर्स कम ही आता तो मैं कॉस इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन 0 तो हमेशा ही होता है बच्चों। अगर कभी ये करना होगा, ये तो कॉस इनवर्स एक्स का रेंज वाला पार्ट होगा, करेक्ट? यस सर। मैंने थोड़ा सा बता दिया था तुम्हें, याद करो, मैंने पढ़ाया नहीं है वो, लास्ट तो पढ़ाऊंगा, बट बोला था इनवर्स की रेंज मतलब उसका प्रिंसिपल एंगल याद करो। यस सर, 0 to 5। 0 to 5 मतलब यहाँ तो ऑल इज वेल एक तरीके से, मतलब हमेशा ही होता है ग्रेटर देन 0, करेक्ट? यस सर। अब बचा ये लॉग और अंडर रूट, तो अंडर रूट बोल रहा है 10 × 3 की पावर x / 9 −9 की पावर x / 9 −1 शुड बी ग्रेटर देन 0, करेक्ट ना? less than 0 ना, हाँ
ठीक है। बस एक चीज है कि लॉग के अंदर जीरो नहीं होना चाहिए, अंडर रूट तो वैसे ही पॉजिटिव होता है, बट ये इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। क्या सबको समझ में आया? तो ये ग्रेटर देन की जगह ग्रेटर देन। यस सर। Got it everyone? Yes sir. 59 तो मैंने दिया ही नहीं होगा, दिया है क्या? हाँ Yes, sir. Yes, sir. Yeah, तो वैसे तो क्या, क्योंकि मैंने पीएनसी में तुम्हें एनसीआर के बारे में बताया था, n is greater than equal to 1, r is greater than 0, n is greater than equal to r, याद है ये सब? Yes, sir. तो उसी तरीके से करना है, x plus 1 is greater than 1, x is greater than 0, 2x minus 8 greater than 0, that is x greater than 4, x plus 1 should be greater than 2x minus 8, x is less than equal to 9, 4 से 9 तो यहीं से हो गया, correct? इसके लिए भी कर लो यार। yes, sir. Sir, 2x minus 8 greater than equal to 1 ना? Yeah. So what 2x minus 8 greater than equal to 1? Greater than 1. यहाँ पे वैसे भी greater than 9 हो गया, okay? और यहाँ बोल रहा है 4 से 9, तो डोमेन ऑफ एच इज व्हाट? नल सेट। इज इट ओके? एफ का डोमेन इज 4 से 9, जी का डोमेन इज एक्स ग्रेटर देन 9, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया? तो एक्स इक्वल टू 9 पे बस एक बार चेक कर लेना, क्योंकि इक्वालिटी आ रही है। 10 से 18 माइनस 10, 10 से 10 डिवाइड होता है 9, 18 माइनस 10, 10 से 10, 11, इसे बोले थे हम 9th है ना? x equals to 9 पे 10 से 9, 18 minus 8, 10, बिल्कुल ओके है। यहाँ पे 9 रखूंगा तो 18 minus 8, 10 से 9 रखूंगा तो 10, x equals to 9 आना चाहिए, सिर्फ एक ही डोमेन में होना चाहिए 9, तो मतलब एच एक्स तो क्या होना चाहिए 1। देखना आंसर क्या है, ये ऑप्शन डी है क्या? यस सर। ओके, डोमेन में एक सिंगल एलिमेंट है, मतलब लकी डोमेन हो गया। एवरीवन ओके? यस सर। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज। करके आए हो सर? एमपीएस किया था। एमपीएस किया? हाँ सर, एमपीएस किया है सर। ये करेक्ट किया है, किया है सर। चलो किया है तो फिर बताओ, डाउट लिखो, करते हैं अपन डिस्कस। That's it. उसकी डोमेन सिग्नम ऑफ ई की पावर, सिग्नम ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स ऑलवेज पॉजिटिव, तो सिग्नम हमेशा वन देगा, तो है ना डोमेन, तो सेकंड वर्ड वन डिफाइंड होता है, ये आंसर में नहीं होना चाहिए। बता प्रशांत, कोई डाउट? यस सर, समझ गया। फोर्थ
ए पीरियोडिक मतलब विच आर नॉट पीरियोडिक करेक्ट. ऑप्शन ए साइन इनवर्स एक्स, उसका अभी ग्राफ नहीं आता तुम्हें, अदरवाइज ग्राफ ऐसा होता है तो पीरियोडिक नहीं होता है. ऑप्शन डी साइन एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स में कौन पीरियोडिक होता है, साइन स्क्वायर एक्स तो होता है पर बच्चों याद है फाइव लिखा है, ये नहीं होता है साइन एक्स स्क्वायर पीरियोडिक नहीं होता है. कभी चेक भी कर सकते हो क्या एफ ऑफ एक्स प्लस टी कभी एफ ऑफ एक्स हो रहा है क्या उसके लिए, ऐसे ही करते हैं ना चेक. तो साइन सी माइनस साइन डी लगाओ और टी की वैल्यू कोई आ रही है नहीं आ रही है देख लो. कभी कोई बहुत नया फंक्शन आता है ना तो ऐसे चेक करते हैं. होमोजीनियस बताया मैंने यार, ऐसा क्या करते हो तुम्हें, तो स्ट्रेट लाइन से पता होना चाहिए. कोई भी इक्वेशन होमोजीनियस होती है अगर उसमें एक्स को एन एक्स से रिप्लेस कर दो, वाई को एन वाई से, और एन हर जगह से कॉमन आ जाए तो वो होमोजीनियस है और उसकी डिग्री डी हो जाएगी. देखो यहाँ पे अगर करूंगा एक्स को एक्स एन एक्स से और वाई को एन वाई से तो एन स्क्वायर कॉमन आ गया ना, ये होमोजीनियस है ऑफ डिग्री टू. यहाँ पे करोगे क्या समझा समझा सर, यहाँ पे करोगे तो ऐसा कोई बाहर नहीं आएगा. यहाँ पे करोगे तो देखो n और n यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से और यहाँ से बाहर आ जाएंगे करेक्ट. यस सर, ये साइन इनवर्स में कुछ बाहर नहीं आता है तो ये हो गई होमोजीनियस. ओके हाँ सर ओके. एन सी इलेवन अब इन सब में थोड़ी सी अभी इनवर्स की रेंज आ रही है चलो, बट तुम्हें पता है कॉट इनवर्स की रेंज मतलब उसका प्रिंसिपल एंगल, उसका कॉट का प्रिंसिपल एंगल क्या होता है जीरो टू पाई याद है सबको, तो सिग्नम हमेशा क्या दे देगा वन एक तरीके से. ओके तो डोमेन वोमेन की कोई प्रॉब्लम नो, कॉट इनवर्स की तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, सिग्नम को भी कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही है, एल एम के अंदर हमेशा वन आ रहा है तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये सिंप्लीफाई होके हमेशा आंसर वन आ रहा है. एवरीवन ओके, डोमेन इज एवरीथिंग, e की पावर एल एन बॉक्स ऑफ वन प्लस फ्रैक्शनल एक्स. ओके वन प्लस फ्रैक्शनल एक्स, फ्रैक्शनल एक्स के रेंज जीरो से वन, वन प्लस फ्रैक्शनल एक्स रेंज वन से टू, उसका बॉक्स करूंगा तो हमेशा वन आएगा. एल एन वन वापस वही जीरो, कोई डोमेन की प्रॉब्लम नहीं है, इसका भी आंसर वन है. दीज आर इक्वल निशान, गुड आउट नॉन सिंगुलर मैपिंग. क्या मतलब है इसका? सिंगुलर मैपिंग नहीं होने चाहिए. सिंगुलर मैपिंग तो नॉट वन वन ही होगा, वही लगना चाहिए. तो कोई प्रॉब्लम क्या आई, कुछ प्रॉब्लम आई क्या उसमें? सिंगुलर मैपिंग, एक मिनट सोचने दो. क्योंकि सिंगुलर किस टर्म से बोल रहा है वो समझना जरूरी है.
नहीं वो सिंगुलर ऐसा तो नहीं बोल रहा कि यहाँ पे डोमेन में बहुत सारे हैं बट सिर्फ एक की मैपिंग, वो तो फंक्शन नहीं कहलाएगा, मतलब समझ रहे हो, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। लास्ट ईयर भी मैंने गूगल किया था, नॉन सिंगुलर का मतलब बोलते हैं वो वन वन फंक्शन बोलते हैं, नॉन सिंगुलर किस तरीके से वन वन, नॉन सिंगुलर का हमें मतलब लगता है नॉट वन वन, पर एक्चुअली नॉन सिंगुलर का मतलब वो बोलते हैं कि एक्चुअली उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इनवर्स सिर्फ वन वन फंक्शन का एग्जिस्ट करता है, सो दैट मींस दे से एक्चुअली नॉन सिंगुलर इज वन वन, उस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। अब क्यों ऐसा नाम है वो नहीं पता, वो थोड़ा सा विकिपीडिया पे या तो पढ़ो, बट आई डोंट नो क्यों ऐसा नॉन सिंगुलर को बोलना पड़ता है। क्लियर बच्चों? यस सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। पैसेज टू तो मैं किसी भी हाल में नहीं बताने वाला है, मॉडुलस पढ़ा दिया तो ये पढ़ाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, वो ट्राई करो एक बार और ट्राई कर, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में पूछेगा तो बताऊंगा, सुन लिया जिसने भी पूछा था? ओके सर। अरे मॉडुलस की जगह एक नया एंटी मॉडुलस डिफाइन किया गया और क्या। ओके और कुछ डाउट बचे हैं? हुए करके आए सब बच्चे? Yes, sir. Everyone, टू ए करके आए हो? चार पांच बच्चों के नाम दिख रहे हैं। यस तो ये टू ए तो अब नेक्स्ट क्लास में मैं सबके साथ ही करूंगा, बोल दूंगा एक बार की टू ए भी डिस्कस करेंगे, सो दैट एवरीवन शुड बी रेडी, ज्यादा क्वेश्चन देंगे। प्रैक्टिस शीट में कोई डाउट पूछना है? Yes, sir. कौन सी? तो वन मिनट। कौन सी प्रैक्टिस शीट? सर एमपीएस 5। एमपीएस 5 वन वन वाली। हाँ बच्चे। Yes, in case 5-1-1 or in 2-1. And 5, mein kya route hai? So question 13. 1-3. Yehi wala hai kya? Yes, sir. If a is minus 1, then f of x kya hai, okay? F of x is x cube by 3 plus x square by 2 minus x plus b. So f dash nikal lo 1 1 1 1 ke liye to. So 3 se 3 cancel, x square, 2 se 2 cancel, x minus 1. Uska d greater than 0 hai, to ye to many 1 hai. Then cubic hai, to iski range to wahi hogi, minus infinity hogi, to many 1 on to. Simple. Okay sir, thank you. वो सिली डाउट कर दिया था मैंने। निशान एमपीएस 8 कहां से आ गई? मैंने तो एमपीएस 5 या 6 तक दिया होगा कदे। 8 दिया, 8 भेजा है सर। 8 कहां से भेज दिया? पीरियोडिक ऑप्शन का 7th क्वेश्चन। 8 आपने पीरियड 5 के बाद क्या सीधा 8 भेजी क्या मैंने? हां सर। हां सर शायद नंबर का एरर हो, आप ने दिया ठीक है। एमपीएस 6 के मतलब पीरियोडिसिटी के डाउट राइट, तो उसमें नंबर गलत है बट आई थिंक शीट में एमपीएस 6 से लिखा होगा। नहीं सर शीट में भी एमपीएस 8 लिखा है। अच्छा एमपीएस ऑफ पीरियोडिसिटी कौन सा डाउट है?
f of x is this. So f of x is x plus a minus box x minus b plus sin and so on. ये सब तो कांस्टेंट है, x माइनस बॉक्स x हो जाएगा फ्रैक्शनल x, सही है बच्चों? तो फ्रैक्शनल x का पीरियड 1, इसका पीरियड 2 पाई बाय पाई दैट इज 2, इसका पीरियड 2 पाई बाय 2 पाई दैट इज 1, आई थिंक सही बोल रहा हूँ, इसका 2 पाई बाय 3 पाई दैट इज 2 बाय 3, इसका 2 पाई बाय 4 पाई, 2 पाई बाय 4 पाई दैट इज 2 बाय 4, करेक्ट? हाँ बच्चों, यस सर, साइन फाइव फाइव पाई बाय एक्स का उसका पीरियड 2 बाय 5, फिर 2 बाय 6, 2 बाय 2 पाई बाय 2 बाय 2 एन, सबको उसी फॉर्म में लिखो 2 बाय 2, ठीक है, 2 पाई बाय 2, 2 बाय 2, 2 बाय 1 सॉरी, और इसका पीरियड 1 उसका भी 2 बाय 2 कर दो। तो याद है इन सब का मैंने एलसीएम लेना कैसे सिखाया, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, तो सब जगह न्यूमरेटर में तो 2 ही है, नीचे 1 है, तो 2 हो गया, करेक्ट? अब उसके छोटे के लिए चेक करते हैं, बट किसी भी हाल में इतने सारे फंक्शन आपस में तो कन्वर्ट होने सर है, ये सुनो, यस सर, क्या क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, और कोई डाउट? No, sir. 16th में तो बच्ची वो क्वेश्चन में मिसप्रिंट है जानवी, F2 F1X करना, ठीक है? F2 F1X. ओके बच्चों, एनी अदर डाउट? चलो, होमवर्क मैंने दे दिया लास्ट क्लास के बाद या नहीं? ठीक है, चलो मैं देख भेजता हूँ, ओके, बाय बाय.